What's that? Thank you.
Dime vos. अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, ये तो इसका आंसर हो गया, ठीक है।
एक तरीका, दूसरे तरीके से इसे सॉल्व करना। देखना जो मैं सोच रहा हूं बताना सही है कि गलत है कि क्या है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, मुझे कम से कम चार बोलर चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि तीन ही बोलर है, चार तो आना ही आना। तो मैं क्या कर रहा हूं, चार बोलर सेलेक्ट कर रहा हूं, फाइव सिक्स, ठीक है। टोटल मुझे 11 चाहिए, तो चार तो आ गए। अब टोटल में मैं बचे के 10 बैट्समैन, दो कीपर और एक बॉलर बचा हुआ, 10 दो 12 है 13। यदि मैं कहूं कि ये 13 में से मैं कोई भी सात को सेलेक्ट कर लूं, मैंने क्या किया, पांच पहले चार बॉलर सेलेक्ट कर लिए। अब ये भी केस हो सकता है कि चार ही बॉलर है और ये भी केस हो सकता है कि पांच बॉलर। तो मान लो कि 13 7 सेलेक्ट किए हैं, इसमें एक बॉलर आ गया और छह बाकी आ गए, तो भी तो पांच बॉलर हो जाए, और बॉलर नहीं आया चाली बॉलर थे, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा। तो क्या ये सही आंसर है, ये समझ में आया ना मैंने कैसे किया। तो क्या ये सही आंसर है कि ये लिखने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
देखो क्या
वर्डिंग आप ले नहीं सकते क्योंकि फोर लेटर वर्डिंग में आना थोड़ा सा पता है मुझे क्वेश्चन वर्ड शुड इंक्लूड एल तो ठीक है या तो एक एल आ सकता है या दो एल आ सकता है ए शुड नॉट बी सेपरेटेड ई शुड नॉट बी सेपरेटेड इसका कोई यूज नहीं हो सकता वर्ड में एल होना चाहिए या तो एग्जैक्टली वन एल हो सकता है और टू एल दो दो के लेके देखना पड़ेगा अब वन एल होने के लिए तो एक एल हम एक ही तरीके से ले सकते हैं तो एक लेटर मुझे मिल गया अब बचे कितने पास एक दो तीन चार चार लेटर है चार में तीन सेलेक्ट कर लिए ठीक है मैं ये मान के चल रहा हूं जब एल आ रहा है तो एक ए जो है वो एक ही आएगा दो ले नहीं आ सकता ठीक है तो फोर सी थ्री से तीन लेटर और सेलेक्ट कर लिए तीन और एक चार लेटर हो गया उनका आ जाएगा टू प्लस अब एक चाहिए टू एल चाहिए तो दो एल भी मैं एक ही तरीके से ले सकता हूँ बट इस बार मुझे फोर सी टू करना पड़ेगा क्योंकि दो ही लेटर चाहिए तो दो ये चार फोर फैक्टोरियल क्योंकि दो एल एक ठीक है अब बोला है नेक्स्ट पार्ट नो लेटर इन इज रिपीटेड मतलब कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए एंड डी शुड बी प्रेजेंट ठीक है तो डी आना चाहिए तो डी को तुम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो एक ही तरीके से और बाकी एक दो तीन चार चार तरीके के लेटर है चार में से तीन सेलेक्ट कर और ये तीन और एक ये चार डी ने बोला है नो लेटर इज रिपीटेड एंड डी शुड बी प्रेजेंट तो डी को हम सेलेक्ट कर लिए तो तीन और सेलेक्ट कर लिए बाकी चार ठीक है नेक्स्ट पार्ट बोला है नो लेटर इज रिपीटेड एंड वर्ड्स आइदर स्टार्ट विद एच और एंड विद डी मतलब या तो एच से स्टार्ट होना चाहिए या डी पे खत्म होना चाहिए या ये भी हो सकता देखो या तो एच से स्टार्ट हो रहा हो मतलब यहां पर मैं नहीं कुछ लिख रहा हूं डी के ऊपर लिखे मतलब डी नहीं है या तो एच से स्टार्ट हो रहा है या डी पे खत्म हो रहा है या एच से स्टार्ट और एंड डी पे खत्म तीनों के बीच में आ सकता है ना कोई दिक्कत बाकी मुझे डी यहां पे नहीं चाहिए है ना डी मुझे यहां पे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा क्या करूंगा एच आ गया है और डी मुझे चाहिए नहीं वहां पे क्या अनोरेटर वर्ड्स आइदर स्टार्ट विद एच और एंड विद क्या इसका ये मतलब हुआ कि डी बीच में भी कहीं नहीं आ सकता है बीच में तो नहीं आ सकता है नो लेटर इज रिपीटेड एंड वर्ड शुड आइदर स्टार्ट विद एच और एंड विद डी
ठीक है। तो एच को मैंने एक तरीके से यहां पे रख दिया, अब मुझे इस केस को फिल करना है, वहां पे डी नहीं होना चाहिए। तो एच तो हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता, बचे कितने लेटर, एक दो तीन, ये भी हो नहीं सकता। तो तीन में से एक लेटर सेलेक्ट किए, ठीक है, उसको यहां पे एक ही तरीके से डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये प्लेस और ये प्लेस फिल, यहां पे एच आएगा, यहां पे दूसरा लेटर आएगा, बाकी कुछ तो यहां याद हो गया होगा। तो मेरे पास दो लेटर आ गए हैं, बचे हैं तीन लेटर, तो थ्री सी पी से दो लेटर सेलेक्ट कर दो और दो फैक्टोरियल सेलेक्ट कर, समझ में आएगा। ठीक है, प्लस तो एग्जैक्टली यही चीज यहां हो जाए, एग्जैक्टली यही चीज पे यहां हो जाए। तो बेसिकली पहले मैं क्या किया, स्पेस को फिल कर दिया, 3c1 × 1 × 3c2 प्लस, ठीक है। अब इसको मुझे एच यहीं पे डालना और डी यहीं पे डालना, मैं यही तरीके से डाल सकता हूं। और इन दोनों केस के लिए कोई भी दो लेटर सेलेक्ट कर लो और उस पर एच, ठीक है। तो कोई डाउट बिटा जी, which can be
क्लियर। देखो फाइंड पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल हैंड शेक्स, मतलब दो लोग हाथ मिला रहे हैं, 15 लोगों में कोई भी दो लोग हाथ मिला रहे हैं, दो लोग के बीच में हाथ मिलता है ऐसा तो अपन एक साथ चार लोग एक साथ हाथ मिला लेंगे, दो लोग हाथ मिला सकते हैं, तो तुमसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल हैंड शेक कितने हैं, तो 15
टोटल नंबर ऑफ क्रैकर्स देखो एन साइड का पॉलीगन मैंने तो ये आठ साइड बताया बट एन साइड इसलिए मैं यहाँ पे लंबी छोड़ दिया हूँ कि अपना लेज़र लेज़र रात्रि का लंबा ठीक है यदि सिक्स साइडेड पॉलीगन बनाओगे तो छह वर्टेक्स होते हैं एन साइडेड पॉलीगन है तो एन वर्टेक्स होंगे मैं वही लंबी दे दिया हूँ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P n minus 2 n minus 1 P समझ में आएगा अब देखो पहला केस क्या बोला गया टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स बताना ठीक है तो डायगोनल्स कैसे बनते हैं क्या ये डायगोनल है क्या ये डायगोनल है मतलब ये जो साइड है ये डायगोनल नहीं बाकी कोई भी दो पॉइंट मिलाओगे तो उससे एक डायगोनल बनेगा क्या ये बात समझ में तो मैं क्या कर रहा हूं यदि मैं तुमसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने होंगे यदि मैं पूछूं कि n पॉइंट्स है क्या इसमें कोई भी पॉलीनियर है नहीं तो n पॉइंट्स है जैसे इसमें टोटल लाइंस कितने बनेंगे क्यों है एनसी पूछे हां बेटा कितने लाइन बनेंगे ये भी लाइन हो रहा है सिर्फ दिल्ली लाइन हो रही है जो तुमको दिख रहा है ये सारे लाइन निकल रहा है अरे समझ रहे हो या नहीं तो ये तो सारे लाइन इनको छोड़ के तो सारे डायगोनल्स हैं तो यदि इसमें से मैं ये n साइड भरा दूं तो इतने क्या हो जाएंगे डायगोनल्स कोई भी दो पॉइंट है एक लाइन बनेगा दो लाइन इसका साइड भी हो सकता है या डायगोनल भी हो सकता है इसके अलावा कुछ होगा नहीं तो मैं इसमें से साइड्स घटा दूं ये क्या है टोटल नंबर ऑफ साइड्स
है यहाँ पर कोई दिक्कत? मिटा दे इसको। नेक्स्ट पर क्या बोला गया? अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनाओ जिसमें कि व्हिच हैव टू साइड्स इन कॉमन विद पॉलीगन, मतलब इस पॉलीगन का दो साइड यूज हो, ठीक है। मतलब तुमको ट्रायंगल इस तरीके से बनाना है कि दो साइड पॉलीगन का यूज हो, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचो, यदि मैं एक ये साइड दूं और एक ये साइड, तो क्या कभी ट्रायंगल बनेगा? तब तो फिर इसको अलग और इसको अलग मिलाऊंगा, मूव नहीं करा सकता, ठीक है, वेक्टर नहीं, ठीक है ना। तो यदि मैं एक साइड ये ले जाऊं तो दूसरा साइड मुझे यही लेना पड़ेगा, तभी इसके एक ट्रायंगल बनेगा। समझ में आ रही है क्या बात? मतलब बेसिकली दो एडजेसेंट साइड्स कॉमन हो जाए, अगर बगल वाले दो साइड कॉमन होंगे तभी एक ट्रायंगल बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। कंडीशन ये है कि दो साइड कॉमन होने चाहिए। बात समझ आ रही है? मतलब मान लो ये P1, ये P2, ये P3, ये P4, ये P5 और ये P6, तो पहला ट्रायंगल इन तीनों से बन गया, दूसरा ट्रायंगल इन तीनों से बन गया, तीसरा ट्रायंगल इन तीनों से बन गया, चौथा ट्रायंगल इनसे बन गया और पांचवा ट्रायंगल इनसे बन गया। कई बार समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि जितने साइड का पॉलीगन है उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन रहे हैं यदि दो साइड कॉमन चाहिए तो। समझ में आ गई बात? तो इसमें भी क्या होगा, एक ये ट्रायंगल होगा, एक ये ट्रायंगल होगा, एक ये ट्रायंगल होगा, ऐसे ही चलते जाएंगे। यदि मैं थोड़ा सा नंबरिंग करूं तो पहला ट्रायंगल होगा P1, P2, P3, इन तीनों से बना, और जो दूसरा ट्रायंगल होगा जो तीसरा ट्रायंगल होगा P3, P4, P5, ठीक है। P n minus 2, अच्छा नहीं, P n minus 2, P n minus 1, Pn, फिर नेक्स्ट होगा P n minus 1, Pn और P1, ठीक है क्या? और फिर नेक्स्ट होगा Pn P1 P2, जो आखिरी ट्रायंगल होगा वो ये तीन बने, P n P1 P2, देखो ये मैंने P नहीं किया। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? अब देखो 1 से चालू हो रहा है 1 2 3 4 5 6 अब तो n तक जा रहा है, मतलब ये कितने ट्रायंगल हैं? अरे 1 से नंबरिंग स्टार्ट हो रहा है, पिछले दे 1 2 3 4 5 6 अब तो n तक जा रहा है, तो कितने ट्रायंगल हैं? तो इसका आंसर कितना होगा? समझ में आई बात? तो कभी कभी क्या होता है गिन के भी आसानी से निकल सकता है, जैसे आप यहां पे एक छोटा सा केस लेते छह साइड फिगर काउंटिंग करना आसान है, छह टाइम फिगर करने से इसमें समझ में आई बात? कोई कंफ्यूजन मिटा दे। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स व्हिच हैव एग्जैक्टली वन साइड इन कॉमन, है ना। अब मुझे क्या चाहिए? कोई भी एक साइड इनका साइड होना चाहिए, जैसे मान लीजिए 6-sided फिगर है, ये एक साइड है ये, तो फिर इसको मैं इससे नहीं मिला सकता, तब तो फिर यदि इसको मैं इससे मिला दिया तो ये साइड इन कॉमन आ गया और ये साइड इन कॉमन, तो दो साइड कॉमन होंगे, ये नहीं चाहिए। इस वाले में क्या बोला गया, मान लो यदि ये साइड कॉमन आता है तो इसको तो इससे मिला सकते हैं, एक ही साइड कॉमन है, यदि ये साइड है तो इन दोनों को छोड़ के इससे मिला सकते हो, मतलब यदि मैं ये कहूं कि
मुझे एक वर्टेक्स चाहिए, है ना, वो वर्टेक्स मैं इन दोनों को नहीं ले सकता, मतलब दो ये वर्टेक्स छोड़ दिए और दो ये वर्टेक्स छोड़, बाकी कोई भी वर्टेक्स आया तो सेम ट्रायंगल बनेगा जिसमें एक ही साइड कॉमन हो। क्या बात समझ में आई? मैं कह रहा हूं चलो ये साइड ले लेते हैं, ठीक है, एन सी वन से ये साइड चले, मैं कह रहा हूं इन दोनों साइड को तुमको नहीं चाहिए, बाकी कहीं से भी एक वर्टेक्स उठा, तो मैं इस वर्टेक्स को छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया और ये साइड आ गया, ये वर्टेक्स को छोड़ नहीं छोड़ा, तो चार वर्टेक्स टोटल छोड़ दिया, जो बाकी बचे उसमें मैं इसको किसी से भी मिला दूं तो एक ट्रायंगल बनता है जो इस ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है एग्जैक्टली वन साइड को, समझ जाएगा। तो एन सी वन से मैंने एक साइड सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं ये जो मान लो ये साइड सेलेक्ट होता है तो ये वर्टेक्स ये वर्टेक्स छोड़ दो और ये दोनों भी छोड़ दो, तो टोटल कितने वर्टेक्स मैंने छोड़ दिए, चार, तो बचे कितने, एन वर्टेक्स थे, एन साइड को ये लगा एन वर्टेक्स, तो एन माइनस फोर में से यदि कोई भी एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर ले तो उससे ट्रायंगल बन जाएगा। समझ में आई क्या बात? तो ये तो बेसिकली एन सी वन का मतलब तो एन ही है, कितने ट्रायंगल होंगे जिसमें एक साइड कॉमन, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल व्हिच हैव नो साइड इन कॉमन, मतलब कोई भी पॉलीगन का साइड नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब क्या करें? अब देखो, अब थोड़ा सा ये सोचोगे तो कॉम्प्लिकेटेड चल, मान लो एक वर्टेक्स लिया, ठीक है, तो अब मुझे ये वर्टेक्स नहीं चाहिए और ये भी वर्टेक्स नहीं चाहिए, ठीक है, फिर मुझे एक वर्टेक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, मान लो ये सेलेक्ट हुआ, पहले ये सेलेक्ट हुआ अब ये, फिर मुझे ये भी नहीं चाहिए, यदि मैं ये दोनों वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेता तो एक साइड कॉमन हो जाएगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंसते जाते हैं ना, तो यदि एक एक करके सोचोगे तो केसेस रिपीट होते जाएंगे, नहीं सोच पाओगे, तो हम क्या करेंगे उल्टा सोच, ठीक है, तो अच्छा क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यदि मैं यहां से कोई भी वर्टेक्स दिखाऊं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो एक साइड कॉमन हो सकता है, या दो साइड कॉमन हो सकता है, या कोई भी साइड कॉमन ना हो, क्या तीन साइड कॉमन हो सकता है, नहीं, मान लीजिए यदि ये तीन साइड कॉमन है क्या तो ट्रायंगल बनेगा, नहीं ट्रायंगल ही नहीं, तो यदि मैं तुमसे पूछूं कि यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे वो क्या क्या होंगे, उसका या तो वन साइड कॉमन होगा, ठीक है क्या, या टू साइड कॉमन होगा, या क्या थ्री साइड कॉमन हो सकता है, और नेक्स्ट केस क्या होगा, नो साइड कोई भी कॉमन साइड ना, मतलब जैसे ये, ठीक है, यही तो मुझे चाहिए, है ना, इसका मैं आंसर निकाल चुका हूं, इसका भी मैं आंसर निकाल चुका हूं और इसका आंसर जरूर जाने, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या हो, कोई भी मीन वर्टेक्स होगा एन सी थ्री, ये तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो, इसमें से वन साइड कॉमन, वन साइड कॉमन का आंसर आएगा एन एन टू एन माइनस फोर सी वन, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर, और किसका आंसर आया है एन एन, तो ये हो गया इसका आंसर, समझ में आया क्या बात, ठीक है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना,
बेटा सोचो एटलीस्ट थोड़ा सा क्वेश्चन क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं। दो स्टेशन मान लो तुमको यहां से दिल्ली का तो बस्ती से दिल्ली मान लो ए से बी है। यहां इन बस्ती से दिल्ली में मान लो 15 स्टेशन पड़ते हैं ठीक है। तो एक ट्रेन जा रही है उसको तीन ही स्टेशन पे रुकना है ठीक है। और वो इस तरीके से होना चाहिए कि कोई भी दो लगातार नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगले स्टॉपेज पे रुक जाए और उसके अगले स्टॉपेज पे। ये तीनों स्टेशन जो होना चाहिए वो उनके बीच में एक खाली होना ही चाहिए, मतलब लगातार तीन स्टॉप पे न रुक ठीक है। ये ए के बाद नेक्स्ट पे रुक सकता है उसको नहीं गिनती करना है ठीक है। मतलब पहला स्टेशन से ये मान लो यहाँ ए है और यहाँ बी है, इसके बीच में 15 स्टेशन यहाँ पे रुक सकता है यहाँ पे रुक सकता है। इसको ए और बी से कोई लेना देना नहीं ठीक है। यहाँ से ट्रेन चलिए यहाँ पहुंचना है और इसके बीच में कहीं भी तीन लेना।
देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। मान लो ये 15 स्टेशन है, ठीक है, मतलब इसका एक दूसरा तरीका भी है, हम लास्ट में पढ़ेंगे तो वहां से तुमको और इजीली समझ में आ जाएगा। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही बोल रहे हैं, बट अभी थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे तीन कोई भी तीन स्टेशन पे रुकना है, तो मैं यहां से दो स्टेशन को मैं क्या कर रहा हूं, सबको आइडेंटिफाई कर रहा हूं अभी कि ये 15S, ठीक है, इसमें से 2S को हटा, ठीक है। तेरा गैस बचे, दो निकाल के तो 13 बचे, ठीक है। 13 में से मैं कोई भी 3 सेलेक्ट करूं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है, चलो देखते हैं। मैंने क्या किया, 13 में से कोई भी 3 निकाल दिया, ठीक है, सॉरी 13 में से कोई भी 3 स्टेशन सेलेक्ट करें। लेट्स से अब देखो मैं लिख रहा हूं, अच्छा अभी हमने लिखा है, मान लो लेट्स से ये जो 13 में से 3 मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, लेट्स से एक ये सेलेक्ट हो गया, एक ये सेलेक्ट हो गया, सॉरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। मैंने क्या किया, जो 13S मेरे पास बचे उसमें से मैंने 3 सेलेक्ट किया, ठीक है, तो लेट्स से ये सेलेक्ट करते हैं, ये सेलेक्ट करते हैं। अब क्या हुआ, यदि ये दोनों सेलेक्ट हो गए अब तो दो स्टेशन कौन से क्यों दिखा, तो मैं क्या करूंगा, ये जो दो S मैंने अलग से रखे हैं उसमें एक S को यहां डाल दूं, मतलब ऐसे ये जो 3S सेलेक्ट हुए ना, एक S को इसके बीच में डाल दो और एक S को इसके बीच में, ठीक है क्या, तो एक S को मैंने यहां डाल दिया और एक S को इसके बीच में यदि एक दो है तो कहीं भी डाल दो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मैं क्या करूंगा, अब तुम नंबरिंग करो, समझ में आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये थर्ड स्टेशन पे रुकेगा, फिफ्थ पे रुकेगा, नाइन, ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ऐसे ही 13C3 में सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। अब तुम खुद सोचो, जब 13S मेरे पास बचे थे उसमें मैं कोई भी 3 सेलेक्ट किया, बट उन तीनों के बीच में यदि वो 3 लगातार किया, मान लो ये 3 किया, तो एक S मैं यहां पे डाल दूंगा और एक S मैं यहां से डाल दूंगा, और उसके बाद तुम नंबर कर लियो, इसको अरेंज नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं होगा कि बस्ती से लगभग जा रहे तो पहले मान लो मुंडा आता है, बाद में बारामुखी आता है तो पहले बारामुखी आता है और बाद में मुंडा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो अरेंज नहीं करते हम नंबरिंग, जैसे बाद में नंबरिंग डाल रहे हैं, मतलब कि इस अरेंजमेंट का मतलब है कि पहले थर्ड पे रुकेगा, फिर फिफ्थ पे रुकेगा, नहीं कोई दूसरा अरेंजमेंट आ जाए, एस टू आ गया, एस टू आ गया, एस टू एस टू पे रुकेगा, एस टू पे रुकेगा, समझ में आई बात। Thank you.
नंबर ऑफ वेव्स ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट ऑफ एंड डिफरेंट क्या होगा आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है ऑफ ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट तो क्या होगा तो आर सी एन आर सी एन नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन इस पर एन से आपको लाना है आउट ऑफ एन आइडेंटिकल अब बताओ क्या एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है तुम्हारे पास उसमें से मैं मेरे को से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना मान लो आर की वैल्यू से फाइव मान लो कि बस 10 आइडेंटिकल चीजें तुम्हारे पास उसमें से पांच चीजों को सेलेक्ट करो कितने तरीके से एक ठीक है वो आर की वैल्यू कुछ भी हो चाहे पांच हो चाहे छह हो चाहे 10 हो चाहे 2 हो चाहे 1 हो ठीक है नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एट लीस्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अब क्या हो तुम्हें एट लीस्ट आर ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करना ठीक है और तुम्हारे पास टोटल एन ऑब्जेक्ट्स हैं तो डिफरेंट तो क्या करोगे या तो आर सेलेक्ट करोगे मान लो मतलब ऐसे मान लो तुम्हारे पास 10 ऑब्जेक्ट है और तुम्हें कम से कम 5 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना तो क्या पॉसिबिलिटी होगी या तो 5 सेलेक्ट करोगे या 6 सेलेक्ट करोगे या 7 या 8 या 9 या 10 तक जाओगे तो वैसे ही आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है टोटल कितने ऑब्जेक्ट है एन तो क्या डिसीजन बनेगा कि पहले एग्जैक्टली मैं आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूं और एग्जैक्टली क्या होगा एक एक ऐड हो गया तो आर प्लस वन सेलेक्ट करें या आर प्लस टू सेलेक्ट करें या आर प्लस थ्री सेलेक्ट करें एंड सो ऑन या लास्ट में एन ऑब्जेक्ट समझ में आ रही है बात मैं ये फॉर्मूला लिखने के लिए एन और आर यूज कर रहा हूं कोई भी नंबर्स लेके समझ सकते हो समझ में आ रहा है तो एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का कितना तरीका तो एन सी आर सी आर एक तो होगा आर प्लस वन सेलेक्ट करने का एन सी आर प्लस वन आर प्लस टू सेलेक्ट करने का एन सी आर प्लस टू एन सो ऑन और एन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का एन सी एन सी समझ जाएगा बस हो गया दिक्कत अब ये चीज इसको मिटा दें तो मैं मिटा दूं और इसी में सिर्फ नेक्स्ट पॉइंट फोर डाल के नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल अब क्या हो जाए अब आर ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करना है बट एन ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं आइडेंटिकल तो वापस से केसेस तो ये बनेंगे या तो आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो क्या प्लस वन क्या प्लस टू क्या प्लस थ्री क्या टोटल है ना आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का कितना तरीका एक एक आर प्लस वन एक आर प्लस टू सब एक ठीक है अब ये कितने टाइम्स है वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन अब तो एन टाइम्स होगी या वन से पूरी स्टार्ट की आर से तो कितने टाइम्स होंगे ये वन एन
बट हम आर माइनस वन नहीं है उसको घटा, तो क्या आ गया एन माइनस आर प्लस वो भी तो हो सकता है ना n प्लस वन c
इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, वो कैसे? ठीक है, आज के लिए इतना ही।